और चलिए अब सियासी खबर का रुख करते हैं। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की बात करते हैं, जो कि बीकानेर पहुंचे। स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग के बाद पहली बार वो बीकानेर पहुंचे और नाल एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और नेता वहां पर पहुंचे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, किशन लाल मेघवाल सहित कई नेता मौजूद हैं वहां पर। नोखा से ही चुनाव लड़ेंगे रामेश्वर डूडी, उन्होंने कल अनाउंसमेंट भी कर दिया था, और कल रहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र नोखा में। तो सिटिंग एमएलए हैं वो नोखा से, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया अपनी तरफ से कि वो नोखा से ही इस बार फिर से ताल ठोकेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, खुद से रामेश्वर डूडी ने ये क्लियर कर दिया कि नोखा से ही वो चुनाव मैदान में रहेंगे, तो क्या माना जाए कि समर्थक अब जुट जाएंगे जीत की खातिर? और आज जिस तरह की तस्वीर, जो रिस्पॉन्स वहां के लोगों का, वो क्या कहता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बात चली थी कि कहीं ना कहीं मन में ये है कि सीट बदली जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जिस तरह से प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने कल फर्स्ट इंडिया न्यूज से बात की और हमारी जो फोन पर बातचीत हुई, ये साफ हो गया कि अभी नोखा से ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ जो बीकानेर देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र गहलोत है, प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी यहाँ पहुंचे, स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक हुई थी, तो क्या ये टिकट लेकर पहुंचे, ये मान लिया जाए? देखिए, नेता प्रतिपक्ष महोदय है, उन्होंने पीसी की मीटिंग भी अटेंड की, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी दिल्ली में अटेंड की, और कल सीईसी की मीटिंग भी इनकी उपस्थिति रही। और चुनाव का समय आज हमारे नेता प्रतिपक्ष अपने गृह जिले में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगे, तो कार्यकर्ताओं में जोश है और पूरी रणनीति के बारे में हमें अवगत कराएंगे, इसलिए हम स्वागत करने के लिए सब लोग आए। तो गहलोत साहब, चूंकि वो नोखा जा रहे हैं कल, तो सीधा माने कि अब टिकट एक तरह से घोषित भले ही ना हो, लेकिन तय है कि रामेश्वर डूडी नोखा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नोखा से वो प्रधान रहे हुए हैं, नोखा से वो जिला प्रमुख जब बने वो उस टाइम वो डायरेक्टर रहे हुए हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उस टाइम भी नोखा विधानसभा क्षेत्र हमारी लोकसभा में थी, और आज जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर जो विराजमान है तो वो नोखा से विधायक बन करके गए, तो नोखा की जनता उनके दिल और दिमाग में है, तो नोखा की जनता को भूल नहीं सकते, वो नोखा के जनता के बीच में हाजिरी लगा के उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनके बैठ करके चुनावी चर्चा। देखिए, अब कुछ ही क्षणों में रामेश्वर डूडी जो है स्क्रीनिंग कमेटी के बाद चूंकि पहली बार बीकानेर पहुंचे, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, या मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मालाओं के साथ जो है पहुंच गए हैं अपने नेता की स्वागत करने के लिए। यहाँ पर जिला अध्यक्ष के अलावा भी जो स्थानीय उनके कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी रामेश्वर डूडी के लिए जो है शुरू हो गई है। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि क्या आखिर ऐसा रहा कि बीच में ये सब बातें चली कि नोखा से वो नहीं लड़ना चाहते और उसके बाद अंतोगत्वा ये तय हुआ कि वे नोखा से ही। अच्छा लक्ष्मण, ये बताइए कि फिलहाल रामेश्वर डूडी है कहाँ? देखिए, रामेश्वर डूडी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कुछ ही क्षणों में वो बाहर निकलेंगे और ये जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उन्हीं के इंतजार में है, जैसे ही बाहर आए उनका स्वागत यहाँ पर जोरदार के साथ स्वागत होगा। पुष्प वर्षा के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पर पंखुड़ियों को इकट्ठा किया गया है, तो ये बहुत कुछ कहती है तस्वीरें। लेकिन लक्ष्मण, ये शायद एक बड़ी कामयाबी भी 2013 में यहाँ पर डूडी के लिए थी, क्योंकि 7 सीटों में से महज 2 पर कांग्रेस जीती थी जिसमें 1 सीट उनकी थी, तो क्या वही उम्मीद फिर से लेकर बैठे कि जितनी दमदारी के साथ तब उतरे थे, जितना दम तब दिखाया था, इस बार भी दिखा पाएंगे? समीकरण भी क्या उनके फेवर में दिखाई देते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं नोखा की खास बात है, नोखा में कुछ चुनाव हमेशा चौंकाते रहे हैं। मैं आपको यहाँ के दिलचस्प तथ्य बताता हूँ। यहाँ पर रेवतराम एक बार भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, और जब भाजपा से नाराजगी होती है कांग्रेस की टिकट ले आते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। जब ये नोखा सुरक्षित सीट थी अनुसूचित जाति के लिए, उसके बाद जो है यहाँ पर कन्हैयालाल झंवर जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है रामेश्वर डूडी को चुनाव में हराते हैं। मजेदार बात है, कांग्रेस में ही पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनते हैं, जबकि रामेश्वर डूडी बड़े कद के नेता, इसमें कतई कोई शक शुबा नहीं था। तो ये तमाम चीजें नोखा के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में न केवल बीकानेर की, चूंकि वो प्रतिपक्ष नेता हैं, कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में वो शामिल हैं, तो राजस्थान की सियासत के जो जानकार लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी निगाहें भी इस बात पर टिकी हुई है कि इस सीट पर क्या रहता है। अच्छा लक्ष्मण, ये सीट की तो बात रही, लेकिन बीच में हमने देखा था कि स्टेटमेंट डूडी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इशारा किस ओर था सबको समझ में आ गया। अब डूडी के जो समर्थक वहां पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए, वो क्या कहते हैं इसको लेकर?
देखिए निश्चित तौर पर जो समर्थक हैं उनमें इस बात को लेकर उत्साह है, एक कहीं ना कहीं ये चीज साफ भी हुई है जिस तरह से, चूंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीच में एक खबर आई थी कि रामेश्वर डूडी के मन में ये बात है, लेकिन उनके समर्थक इस बात से लगातार इनकार करते रहे और उन्होंने कहा कि नोखा में दिल बसता है डूडी का। अब वो दिल बीच में टूटा था या कुछ और हुआ था या सियासी समीकरण कुछ ऐसे थे, वो बहुत सारे अलग सवाल है, लेकिन बड़ी खबर कल से ही हम लगातार दे रहे हैं कि अब रामेश्वर डूडी नोखा से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय है जी। तो बस कुछ देर में डूडी बाहर भी आएंगे, पहुंच चुके हैं बीकानेर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा, जैसा कि तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उत्साहित हैं उनके समर्थक, और लक्ष्मण भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। लक्ष्मण, लेकिन खास बात यह है कि कल जब अपने विधानसभा क्षेत्र में डूडी होंगे तो वहां पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ रूपरेखा उसकी? देखिए आज का जो कार्यक्रम है, आज यहाँ से वो निकलेंगे और उसके बाद जो है अपने निवास जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, निश्चित तौर पर नोखा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद कल जो उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो जाएंगे। और कार्यक्रम पूछ रहे थे, और क्या कार्यक्रम रहेंगे कल? आज पूरे दिन बीकानेर में रहेंगे और कल इनके जो विधानसभा क्षेत्र नोखा वहां जाएंगे, और नोखा की जनता हमेशा इनके दुख और सुख में नोखा की जनता साथ रही है, तो नोखा के जो कार्यकर्ता है हमारी जनता उनके साथ बैठ करके पूरे दिन चुनावी चर्चा करेंगे कल नोखा और परसों दिल्ली के लिए प्रोग्राम। देखिए ये जो अपडेट है कि कल वो नोखा विधानसभा क्षेत्र रहेंगे और उसके बाद जो है वो परसों दिल्ली के लिए निकलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जो है लगातार वहां पर जारी रहेगा, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, उसके बाद सेंट्रल कमेटी की बैठक होनी है, कुछ टिकट फाइनल हो रही है, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी रामेश्वर डूडी है, तो तमाम चीजें वो होंगी, लेकिन आज चूंकि उनका गृह क्षेत्र है यहाँ पर निश्चित तौर पर रामेश्वर डूडी का जिस तरह स्वागत की तैयारी है, एक संदेश छोड़ने की कोशिश होती है। दिवाली यही मनाएंगे क्या, ये भी पूछिए जरा लक्ष्मण कि अपने ही क्षेत्र में दिवाली होगी अपने ही लोगों के बीच में क्या? देखिए निश्चित तौर पर ही हम पूछेंगे क्या दीपावली अपने समर्थकों के साथ मनाएंगे। देखिए 3 तारीख को दिल्ली जाएंगे वापस, 3 और 4 को मीटिंग है और उसके बाद में दीपावली को वापस बीकानेर आएंगे। देखिए ये जो जिला अध्यक्ष उनका कहना है कि 3-4 को वो जाएंगे लेकिन वापस बीकानेर आएंगे, उम्मीद की जा सकती है कि दीपावली वो अपने समर्थकों के साथ मनाए। आप देख सकते हैं कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे किस तरह से लगातार जो है नारेबाजी का सिलसिला यहाँ पर अभी भी चल रहा है, लेकर जो है यहाँ पर लोग और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्साह तो कह सकते हैं है। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है इसके लिए, कितना उत्साह है डूडी जी आ रहे हैं? डूडी जी टिकट लेके पहली बार आ रहे हैं जनता में, लोगों में, कार्यकर्ता। लेकिन एक चीज लक्ष्मण को क्लियर कीजिए कि अभी ऑफिशियली टिकट नहीं मिला है, अभी नाम अनाउंस नहीं किया गया है, डूडी ने खुद ये बात कही है, लेकिन अभी सीईसी की मुहर नहीं लगी है उस पर, ये इनको पता होना चाहिए। सवाल चूंकि इसीलिए जिला अध्यक्ष से पूछा था कि भाई औपचारिक ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन देखिए कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, इनमें उत्साह होता है, जोश होता है, तो कहीं ना कहीं वही बात जो है यहाँ पर आ रही है निकलकर कि वो टिकट लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए इसका मतलब ये है कुछ जो सिंगल पैनल नाम जहाँ पर 70 सीटों की बात हुई और हुई, तो उनमें से एक नाम ये भी होगा नोखा से, इसमें कतई कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ प्रतिपक्ष नेता है नगर निगम के जावेद पढ़ियार, कैसे देख रहे हैं साहब, खटास भी बहुत आई, कुछ तकरार भी बहुत हुई कांग्रेस में? राजस्थान में कहीं खटास नहीं है, तकरार नहीं है, राजस्थान में एक लहर है, कार्यकर्ता जोश में है, राहुल गांधी जी नेतृत्व में, डूडी साहब के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है, पायलट साहब नेतृत्व में, कार्यकर्ता जोश शोर से लगे हुए हैं और राजस्थान की जनता जो इस सरकार से त्रस्त है वो मौका आ गया है, वो मौका आ गया है जनता को एक जोश के साथ कांग्रेस को वोट देना है, कार्यकर्ताओं में जोश है, डूडी साहब के स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं। देखिए बिल्कुल, और अब ये है वीआईपी कक्ष का गेट खुल रहा है, कैमरामैन गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी जो है निकलेंगे, जहाँ पर रामेश्वर डूडी पहुंच चुके हैं। मीटिंग हो चुकी थी, उसमें कल सीईसी की मीटिंग थी, सीईसी मीटिंग के अंदर काफी एक सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई, एक साल तक चर्चा रही, उसमें हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन शैलजा जी और राजस्थान प्रभारी जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे जी ने आपको सीईसी के बाद में जस्ट आपको बाइट भी दे दी थी, क्योंकि जल्दी से जल्दी 12 तारीख से नॉमिनेशन है, उससे पहले सीईसी अब तय करके और उसमें लिस्ट निकालेगा। छोटी साहब ये बताइए, आप नोखा से चुनाव लड़ रहे हैं, फाइनल माने?
राहुल गांधी के द्वारा कि इन पे दोबारा मंथन हो, तो बाकी जो बचे हुए नाम हैं कहीं कहीं वो घोषित हो जाने चाहिए थे, एडवांटेज कांग्रेस को लेना चाहिए था पहले घोषित। ये आपको कहाँ पता लगा कि दोबारा भेजा या तीसरी बार भेजा या पहली बार? आप बताएंगे कि इस तरह की डूडी साहब, सवाल ये है कि आप नोखा से चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, जो जनता जानना चाहती है। सर वजह नोखा से आप चुनाव लड़ रहे? देखो ऐसा है, ये पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी जहाँ से चाहेगी। वैसे मेरा नोखा, मैंने रिक्वेस्ट कर रखी है कि मेरा नोखा मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, और नोखा के पिछले 2013 में जिस तरीके से बीजेपी की आंधी चल रही थी, उस आंधी के अंदर लोगों का जो स्नेह और प्यार नोखा की आम जनता का मुझे मिला, और 36 कौम के लोगों का जो स्नेह और प्यार मिला, उसको मैं मेरे जीवन में कभी भूल नहीं सकता। तो मैंने पार्टी से ये निवेदन भी मैं करूँगा कि मेरे को नोखा से ही चुनाव लड़वाए। डूडी साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं विनिंग फार्मूले पर काम हो रहा है, विनिंग फार्मूले पर, तो क्या ये जो प्रयोग है कि दो बार जो लगातार हारे उनको टिकट नहीं मिलेगी, 70+ को टिकट नहीं मिलेगी, ये चीजें विनिंग फार्मूलों के साथ चलेगी या कुछ अलग होगा? इसमें ये भी सवाल आता है डूडी साहब, अगर दो से ज्यादा और जो नए लोग आए हैं, जो राहुल गांधी ने कहा है कि पैराशूटी जो है उनको नहीं शामिल किया जाएगा, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, गंगानगर में आपके ऐसे कई लोग आए हैं, बाहर भी कई लोग ऐसे आए हैं, उनके लिए क्या सोचा था? देखो इसमें जिस तरीके से आपने जो कहा है कि राहुल गांधी जी का एक सीधा फार्मूला है, बीकानेर आम सभा थी उसमें भी राहुल गांधी जी ने दोहराया था, और पीछे 3 सभाएं हुई थी राजस्थान के अंदर उसमें भी उन्होंने दोहराया था कि हमारा टिकाऊ और जिकाऊ उम्मीदवार हो और पार्टी के लिए दिन रात काम करता हो और यूथ हो और महिलाओं का, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया है, तो महिलाओं को भी कांग्रेस पार्टी आगे लाने के अंदर अहम भूमिका निभाएगी। और आप जिस तरीके का पैराशूट का ये राहुल गांधी जी ने अपने उद्बोधन के अंदर कह दिया था, तो ये कतई नहीं होगा। जो लोकल जिस विधानसभा का जो काम कर रहा है पार्टी के लिए, राह देने कर रहा है, और जो विनिंग कैंडिडेट है, टिकाऊ कैंडिडेट है, उसको पार्टी सर्वसम्मति से देखे और उसको। मोदी साहब कैंडिडेट दीपावली पर टिकट के साथ दीपावली मना रहे हैं क्या? धनतेरस पर कुछ खबरें मिल रही है कांग्रेस की? देखो ये हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन शैलजा जी और हमारे प्रभारी राजस्थान अविनाश पांडे जी, आपको जो भी आगे सूचना होगी तो उसकी आप देखिए। जातिवाद राजनीति का दौर चल रहा है, आज भी आपने देखा हो जो आंकड़े आते हैं किस तरह से दो खास जाति जो है राजस्थान में उनके विधायकों की संख्या बढ़ी हुई है। कांग्रेस जो ये लगातार कह रही है मानवेंद्र सिंह को साथ लाएं, हरीश चौधरी ड्राइविंग कर रहे हैं, आप खुद उस जाति से आते हैं जिस जाति के मुख्यमंत्री बनने के बाद रह रहकर उठती रही है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस किस तरह से इसको आगे बढ़ाएगी? देखो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 36 धर्मों के 36 कौमों की राजनीति करी है। कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति आम जन के अंदर मेल खाती है, और राहुल गांधी जी का जो सोच और संदेश, जो संकल्प राहुल गांधी जी ने दिया है, उस सोच और संदेश के तहत हमारा कांग्रेस का आम कार्यकर्ता एक अनुशासन में रहकर चलता है, और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कर राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम प्रदेश का आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक मजबूत तरीके से, सशक्त तरीके से, एकता और संगठन से कर। आखिरी सवाल, वंशवाद का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है जैसे कोई हार रहा है तो जैसे आप जुबेर खान की जगह उनकी पत्नी साफिया खान की बात आ गई, ऐसे कुछ नाम और भी हैं उनके बेटे की बात आ गई, तो क्या ये कांग्रेस वंशवाद के साथ ही आगे बढ़ रही है? देखो कांग्रेस पार्टी में ना तो वंशवाद कभी रहा ना आगे रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के इतिहास का, आप उसको अच्छी तरह से देखो तो वंशवादी के कई बात जो कैपेबल है, जो पार्टी के लिए कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, उसको पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आखिरी सवाल, राजस्थान में कांग्रेस किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है? देखो राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में उस पूरे प्रदेश का आम वर्ग दुखी है, और सबसे बड़ा वर्ग जो किसान वर्ग है, आज किसान वर्ग इतना दुखी है कि राजस्थान की राजनीति में पहला इन 5 सालों में किसानों ने आत्महत्या करी है, 350 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान कर्जे से डूबा हुआ है, किसान की फसल MSP प्राइस पर ये सरकार खरीद नहीं रही है, किसान बिल्कुल सड़क पर आ गया, कर्जे से डूब गया। हमने ये मांग करी थी कि यदि प्रदेश के किसान को सशक्त और मजबूत करना चाहते हैं तो प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, लेकिन इस सरकार ने कुछ पर भाजपा कह रही है तो दावेदारी 3 हो गए, मुख्यमंत्री की संख्या बढ़ती जा रही है कांग्रेस में दावेदारों की, किसी भी मुद्दे जो आप बता रहे हो सर, साल भर दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपका नाम भी चल पड़ा, टिकट तक आप पहुंचिए जब ये मुद्दे। मैं जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, आप बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं, मुख्यमंत्री का एक सिस्टम है, पहले हमारा भाजपा आरोप लगा, हमारे कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे, जीतने के बाद में विधायक दल की मीटिंग होगी, और मीटिंग के अंदर दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, और विधायक अपनी राय देके
और फिर राहुल गांधी जी फैसला। तो ये माने कि अब आप चुनाव जो दिल आपका नोखा में बसता है तो टिकट वहीं से है और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पार्टी को निवेदन कर रखा है और फिर पार्टी सर्वोपरि है, जो पार्टी आदेश देगी। मैंने निवेदन कर रखा है कि नोखा की जनता का जिस तरीके से मुझे स्नेह और प्यार मिला है और नोखा की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, मेरे जीवन में कभी भूल नहीं सकता, और मैंने रिक्वेस्ट कर रखा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां से टिकट देगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये साफ है, जिस तरह से रामेश्वर डूडी बात कर रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो नोखा से चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद के सवाल को लेकर हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि ये पार्टी तय करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल यहाँ पर रामेश्वर।